हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया गया, पूरक परीक्षा फल। यहाँ इस वीडियो में आपको वर्ग 11th और 12th के लिए सभी सब्जेक्ट के जो भी पूरक परीक्षा परिणाम जारी किए गए, सभी सब्जेक्ट के हम आपको यहाँ पर कट ऑफ दिखाएंगे और आपको रिजल्ट यहाँ पर बताएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, आपके विषय का जो भी हो आप अपने विषय के अनुसार उसे देख सकते हैं। हम एक एक करके सभी सब्जेक्टों के बारे में आप यहाँ पर आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, जो दिनांक पहले बता देते हैं आपको, 26/12/2023 को विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मैथमेटिक्स विषय के लिए प्रकाशित परीक्षा फल के पश्चात पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में काउंसलिंग के उपरांत अनुपस्थित अभ्यर्थियों के पद को रिक्त मानते हुए अनुपूरक परीक्षा फल निम्न प्रकार घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का नहीं आया है, रिजल्ट आपका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बीसी एंड ईबीसी डिपार्टमेंट का जारी किया गया है। क्योंकि शिक्षा विभाग ने जो 19 तारीख को लेटर जारी किया था उसने अनुशंसा बीपीएससी से पहले ही कर दी थी कि आप हमारा रिजल्ट ना दीजिए। अभ्यर्थी द्वारा कल प्रदर्शन भी किया गया था, उसके अगेंस्ट में शिक्षा विभाग ने एक नोटिस भी, प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि जो स्टूडेंट है बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकालेगा, और अगर अभ्यर्थी मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उन्हें टीआरई 3 से वंचित भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर बीपीएससी आयोग ने जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया है वो हम पहले बता देते हैं आपको, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है मैथ में, और कट ऑफ दिखाते हैं आपको, कट ऑफ कितनी गई हुई है। कट ऑफ की बात कर लें, देखिए कट ऑफ में एक बात और हम बता दें आपको कि जो कट ऑफ है, पहले कट ऑफ इस डिपार्टमेंट की काफ़ी हाई गई थी। उसका रीजन था क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था, वो सभी अभ्यर्थी, क्योंकि कट ऑफ हाई गई थी तो सभी अभ्यर्थी इसी में थे, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण डिपार्टमेंट वाले में। तो उन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अपनी सीट ली नहीं तो सीट वैकेंट रह गई। उस हिसाब से अगर पहले रिजल्ट देखोगे आप इस विभाग का और आपका रिजल्ट देखोगे तो कट ऑफ में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो हम बताते हैं आपको कट ऑफ किस प्रकार इसकी रही है। अनरिजर्व्ड मेल की मैथ की बात कर रहे हैं, पहले हम 91 पर कट ऑफ गई है। फीमेल की कट ऑफ 70 पर गई हुई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 62 पर गई हुई है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो 62 पर ही है। एससी और एससी फीमेल एन ए एससी एसटी की वैकेंट पोस्ट है नहीं है। यहाँ पर बात ईबीसी की कर लें तो ईबीसी की जो कट ऑफ है वो 64 पर है। फीमेल की कट ऑफ 41 पर है। बीसी मेल की कट ऑफ 75 पर है। बीसी फीमेल की कट ऑफ 51 पर है। बीसीएल की 51 पर है, और अदर पोस्ट में यहाँ पर है नहीं है, वो है नहीं है। तो ये कट ऑफ किसकी थी, मैथ की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की कट ऑफ। ये जो रिजल्ट है आपका ये फिजिक्स का है, फिजिक्स का पूरक परीक्षा फल है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। एक एक करके मैं आपको सभी सब्जेक्ट का बताएंगे। ये भी बीसी एवं ईबीसी डिपार्टमेंट का है, इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। और बात हम कट ऑफ की कर लें तो कट ऑफ में यहाँ पर देखेंगे, फिजिक्स में जो कट ऑफ है मेल की गई है 57 पर, फीमेल की कट ऑफ 49 पर है। ईडब्ल्यूएस एन ए यानी कोई वैकेंट पोस्ट है नहीं है। एससी भी एन ए है यहाँ पर, ये सभी पोस्ट एन ए है यानी पोस्ट थी नहीं। ओनली यहाँ पर जो कट ऑफ है वो केवल अनरिजर्व्ड मेल की और अनरिजर्व्ड फीमेल की कट ऑफ दी हुई है यहाँ पर। ये आपका फिजिक्स का परीक्षा फल है 11th और 12th का। आगे देखते हैं, देखिए बात रसायन विज्ञान के परीक्षा फल की बात करें, केमिस्ट्री का परीक्षा फल पूरक परिणाम बीसी एवं ईबीसी डिपार्टमेंट, तो इसमें ये अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं, इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। कट ऑफ की बात कर लें तो कट ऑफ में देखिए, अनरिजर्व्ड मेल की कट ऑफ एन ए यानी वैकेंट पोस्ट है ही नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। अनरिजर्व्ड फीमेल की कट ऑफ 39 पर गई है ओनली, और बाकी जो कट ऑफ है वो देखिए एन ए यानी कोई पोस्ट नहीं है। तो केवल फीमेल हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, इसमें देख भी सकते हैं आप, इन स्टूडेंटों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है केमिस्ट्री में। देखिए यहाँ बात बॉटनी की कर लेते हैं, तो बॉटनी का भी जो पूरक परीक्षा फल है उसमें अभ्यर्थियों का सिलेक्शन, इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। बात यहाँ पर हम कट ऑफ की करें तो कट ऑफ में देखिए, जो अनरिजर्व्ड मेल की जो कट ऑफ है वो 51 पर गई है, फीमेल की कट ऑफ 51 पर है, 51 पर सेम कट ऑफ गई है, और जो बाकी जो पोस्ट हैं और वैकेंट पोस्ट थी नहीं तो उसके लिए एन ए लिखा हुआ है, यानी मेल और फीमेल जनरल की कट ऑफ यहाँ पर आई हुई है, उस हिसाब से यहाँ पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। चलिए देखते हैं अदर सब्जेक्ट की। यहाँ पे देखिए, ये जो रिजल्ट है वो आपका जूलॉजी का है, बीसी एवं ईबीसी डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर देखिए, ये इन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। बात हम इनकी कट ऑफ की करें तो कट ऑफ कितनी गई है, वो कट ऑफ भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जो कट ऑफ है, कट ऑफ में जो जनरल की कट ऑफ है अनरिजर्व्ड मेल की कट ऑफ वो 84 पर है, फीमेल की कट ऑफ 83 पर गई हुई है। ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ 80 पर गई हुई है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 80 पर है, और बाकी देखिए एससी और एसटी इनकी कट ऑफ है नहीं है, यानी कोई वैकेंट पोस्ट है नहीं है।
बात ईबीसी की कर लें इसमें, तो ईबीसी की कट ऑफ 63 पर है, फीमेल की कट ऑफ 63 पर है, बीसी की 80 पर है, बीसी फीमेल की कट ऑफ 71 पर है, बीसीएल की कट ऑफ 70 पर है, और बाकी एनए यहाँ पर वैकेंट पोस्ट लिखी हुई हैं। चलिए देखते हैं अदर सब्जेक्ट की। देखिए यहाँ पर जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है हिस्ट्री का रिजल्ट है, हिस्ट्री का पूरक परिणाम है बीसी एंड ईबीसी डिपार्टमेंट का। यहाँ पर देखिए इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, ये आपको अभ्यर्थी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बात हम इसकी हिस्ट्री की कट ऑफ की करें तो देखिए कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ जो मेल की कट ऑफ गई है इसमें वो 70 पर गई है, फीमेल की कट ऑफ 61 पर है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 59 पर है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 56 पर है, एससी कट ऑफ 39 पर है, एससी फीमेल और एसटी यहाँ पर एनए है, वैकेंट पोस्ट है नहीं है। ईबीसी कट ऑफ 49 पर है, ईबीसी फीमेल की कट ऑफ 45 पर है, बीसी की 55 पर है, बीसी फीमेल की कट ऑफ 48 पर गई हुई है, बीसीएल की कट ऑफ 48 है, और बाकी पोस्ट कितनी है ये एनए है, यहाँ पर वैकेंट पोस्ट नहीं है। अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश की बात कर लेते हैं क्लास 11th और 12th के लिए। तो इसकी देखिए बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट इन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, अभ्यर्थियों के सिलेक्शन आप देख सकते हैं, इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। कट ऑफ की बात करें यहाँ पर तो देखिए कट ऑफ कितनी गई है, यहाँ पर देख लेते हैं। अनरिजर्व मेल की जो कट ऑफ है वो 61 पर है, फीमेल की कट ऑफ 61 पर है, ईडब्ल्यूएस एनए है, वैकेंट पोस्ट है नहीं है, ईडब्ल्यूएस फीमेल 53 पर है, एससी एससी फीमेल ये एनए है, ये बाकी सब एनए पर गई हुई है। बात यहाँ पर बात बीसी की करें तो बीसी की जो कट ऑफ है वो 55 पर गई हुई है, बीसी फीमेल की कट ऑफ 52 पर है, बीसीएल की कट ऑफ 52 पर है, बाकी ये एनए पोस्ट दी हुई है। देखते हैं अदर सब्जेक्ट की कट ऑफ। देखिए हिंदी की कट ऑफ है बीसी एवं ईबीसी डिपार्टमेंट, इन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, अभ्यर्थी ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। बाद में हम इसकी कट ऑफ भी देख लेते हैं, कट ऑफ कितनी गई हुई है। तो बात कट ऑफ की करें तो अनरिजर्व मेल की कट ऑफ है वो 71 पर है, फीमेल की कट ऑफ हिंदी में 71 पर है, ईडब्ल्यूएस एनए है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 65 पर है, एससी एसटी ये कट ऑफ एनए पर गई हुई है, ईबीसी फीमेल की कट ऑफ 57 पर है, बीसी की 65 पर है, बीसी फीमेल की जो कट ऑफ है वो 62 पर गई हुई है, बीसीएल की कट ऑफ 62 पर है, बाकी ये एनए पोस्ट दी हुई है। चलिए अदर सब्जेक्ट की देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के ये बीसी एवं ईबीसी डिपार्टमेंट का रिजल्ट है यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पर इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई है इसमें, तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम। तो कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व मेल की जो कट ऑफ है वो 66 पर है, फीमेल की कट ऑफ 65 पर है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 60 पर है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 60 पर है, एससी और एसटी डिपार्टमेंट है यानी है, ईबीसी फीमेल की कट ऑफ 53 पर है, बीसी की कट ऑफ 61 पर गई हुई है, बीसी फीमेल की कट ऑफ है वो 59 पर है, बीसीएल की कट ऑफ 59 पर है, बाकी ये एनए पोस्ट हैं यानी पोस्ट वैकेंट है नहीं है, खाली नहीं है पोस्ट। चलिए देखते हैं अदर सब्जेक्ट। देखिए ये रिजल्ट आपका पॉलिटिकल साइंस का है 11th और 12th का। तो पॉलिटिकल साइंस में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में किन किन स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है, ये देखिए स्टूडेंटों के नाम दिए हुए हैं। स्टूडेंटों के नाम के बाद में हम आपको देखिए कट ऑफ दिखाते हैं, कट ऑफ कितनी गई हुई है इसकी। तो देखिए ये कट ऑफ है, अनरिजर्व मेल की जो कट ऑफ है वो 62 पर है, फीमेल की कट ऑफ 54 पर है, ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ 49 पर है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 49 पर है, ये एससी और एसटी एनए है, ईबीसी की कट ऑफ 47 पर गई हुई है, ईबीसी फीमेल एनए है, बीसी कट ऑफ 54 पर है, बीसी फीमेल की कट ऑफ 45 पर गई है, बीसीएल की कट ऑफ 44 पर है, बाकी अदर पोस्ट ये एनए है। इकोनॉमिक्स की कट ऑफ देखते हैं, ये इकोनॉमिक्स का बीसी एवं ईबीसी डिपार्टमेंट स्टूडेंटों का रिजल्ट है, ये आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। बात इसकी कट ऑफ की करें तो देखिए कट ऑफ कितनी गई हुई है, कट ऑफ में जो अनरिजर्व मेल की कट ऑफ है वो 70 पर है, फीमेल की कट ऑफ 69 पर है, ईबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 66 पर है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 66 पर है, एससी कट ऑफ 50 पर है, एससी फीमेल 47 पर है, एसटी 43 पर है, एसटी फीमेल एनए है, ईबीसी की कट ऑफ 58 पर है, ईबीसी फीमेल की कट ऑफ 57 है, बीसी की कट ऑफ 62 पर गई हुई है, बीसी फीमेल की कट ऑफ 60 पर है, और बीसीएल की कट ऑफ 60 पर है, ये बाकी एनए और जो ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर है उसकी कट ऑफ 57 पर गई हुई है। ये देखिए 11th और 12th में होम साइंस का रिजल्ट है, होम साइंस के आपको अभ्यर्थी दिखाई दे रहे होंगे, बीसी एवं ईबीसी डिपार्टमेंट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, इन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। बात यहाँ पर हम कट ऑफ की करते हैं तो देखिए कट ऑफ कितनी डाउन रही है, कट ऑफ कितनी गई है वो कट ऑफ दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ पर देखिए अनरिजर्व मेल में तो एनए है ही है, होम साइंस में फीमेल की कट ऑफ 54 पर है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 49 पर है, बाकी एनए है, फिर बीसी फीमेल की कट ऑफ 50 पर है, उसके बाद में जो बीसीएल की कट ऑफ है वो 50 पर है,
और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ 44 पर गई हुई है। ये अकाउंटेंसी का रिजल्ट है। यहाँ पर ये देखिए ईबीसी एवं बीसी डिपार्टमेंट, इन इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इसमें हुआ है। और बात हम यहाँ पर कट ऑफ की करें तो देखते हैं कट ऑफ कितनी रही है इसकी। देखिए हाँ, तो देखिए मेल की जो कट ऑफ है वो 82 पर है, फीमेल की कट ऑफ 78 पर है, ईडब्ल्यूएस की 79 पर है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 74 पर है, एससी 41 पर है, एससी फीमेल 42 पर है, एसटी एनए है, ईबीसी की कट ऑफ 69 है, ईबीसी फीमेल की कट ऑफ 67 है, बीसी की 77 है, बीसी फीमेल की कट ऑफ 70 पर गई हुई है, यहाँ पर बीसी वाली कट ऑफ 69 है, बाकी ये एनए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने देखिए आपको वर्ग 11th और 12th में जितने भी सभी रिजल्ट थे सभी की कट ऑफ और सभी आपको रिजल्ट दिखा दिए। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो बीसी एवं ईबीसी डिपार्टमेंट का जारी किया गया, शिक्षा विभाग का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। सरकार ने साफ मना कर दिया कि वो शिक्षा विभाग का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। सरकार की मंशा उसे बीपीएससी 3.0 में जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसमें उन सीटों को जोड़ने की। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।